गाजियाबाद में रूपनगर हादसे पर जिलाधिकारी को लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने पत्र लिखा है और कहा कि लोनी में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई नाकाफी है। लोनी में भूमाफियाओं द्वारा बुलंद हौसले के साथ युद्धस्तर काटी जा रही कॉलोनियों और अवैध निर्माणों पर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। जी विधायक जी, मेरे द्वारा जीडीएवीसी और जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है कि जो लोनी के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ है उससे मैं स्वयं और पूरी लोनी की जनता बहुत दुखी है और जो अवैध कॉलोनियां निर्माण हो रहे हैं इन पे कई बार पहले भी मैंने कहा है, मुझे उम्मीद है कि वीसी जीडीए तत्काल बड़ी कार्रवाई कर और जो एसटीएम के क्षेत्र में जो कॉलोनियां आती है उन पर भी कठोर कार्रवाई कराकर तो परमानेंट एक दस्ता लोनी में जो डेली कार्रवाई हो जिससे और ये जो समस्या है जो वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में लोनी के अंदर बसाए जा रहे हैं उनको रोकने का काम करेंगे जिससे कि राष्ट्र के लिए भी सुरक्षित रहे। और यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार द्वारा नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर और राशुका तक कार्रवाई की बात की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद गाजीपुर जनपद में धड़ल्ले से नकल कराने वाले गिरोह के द्वारा नकल कराई जा रही है, जिसके क्रम में जनपद गाजीपुर के दुहलपुर इलाके के रेहटी मलीपुर के पास दो विद्यालयों से स्कूल प्रबंधक, मैनेजर, प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापक और मुन्ना भाई सहित